नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ नवभारत पर सुबह के सबसे बड़े न्यूज शो में आपका स्वागत है। हमारे पास आपसे जुड़ी कई खबरें हैं। जब रात में आप सो रहे होते हैं उस वक्त देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी खबर चर्चा में है और डेली रूटीन के लिए बेहद जरूरी भी है। लेकिन पहले देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जोधपुर पुलिस के मुताबिक इलाके में अभी भी हालात तनावपूर्ण है। 10 इलाकों में 2 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जोधपुर हिंसा के दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तलवार पत्थर लेकर लोगों पर हमला करते दिखे हैं उपद्रवी। मंदिर तोड़ने वाले मामले में आज अलवर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। गहलोत सरकार को अलग अलग मामलों को लेकर घेरने की तैयारी। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे विवाद पर उद्धव ठाकरे ने बुलाई मीटिंग। महाविकास अघाड़ी के सभी नेता शामिल होंगे। मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में 1500 मस्जिदों और 1300 मंदिरों को लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत। लगभग 2300 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश। पूरे देश में लाउडस्पीकर का कानून बना है। नासिक में मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। लगभग 6 एमएनएस समर्थक गिरफ्तार। राणा दंपति की रिहाई अटकी। बेल ऑर्डर न मिलने से जेल में ही बिताया समय। बीएमसी ने भी गैर कानूनी निर्माण का थमाया नोटिस। निरीक्षण के लिए राणा दंपति के घर पहुंची बीएमसी की टीम। बंद मिलाकर शुक्रवार को फिर करेगी जांच। दिल्ली में अवैध निर्माण पर चलने लगा बुलडोजर। आज कालंदी कुंज से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक चलेगा बुलडोजर। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे से पहले पुलिस अलर्ट पर। मुस्लिम पक्षकार की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट। फ्रांस पहुंचते ही दिखा मोदी मैक्रों की दोस्ती। एक दूसरे को लगाया गल। पेरिस में पीएम मोदी ने की भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात। होटल के बाहर लोगों ने पीएम का स्वागत किया। आज हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार के बनाए हुए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। पटना में प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। जन स्वराज यात्रा को लेकर रोड मैप बताएंगे। हैदराबाद में लव जिहाद मामले में एक की हत्या, जांच जारी। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की ने गैंगरेप के बाद की आत्महत्या। अब तक एक आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में अपराधियों का सरेंडर। गले में तख्ती लगाकर 2 अपराधी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़े नजर आए। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में मिला आतंकी सुरंग। बीएसएफ ने शुरू की जांच। जयपुर के बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। पंजाब के बटाला में स्कूल बस में लगी आग। खेतों में लगी आग की चपेट में आई स्कूल बस। बाल बाल बच्चे छात्र। केदारनाथ में बिगड़ा मौसम। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। कोयले की आपूर्ति के लिए 24 मई तक करीब 1100 ट्रेन रद्द। मई में और बढ़ सकता है पावर क्राइसिस। आरसीबी ने चेन्नई को 13 रन से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बरकरार है। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला खास सम्मान। देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल से केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले कल वहां मौसम जो है वो बिगड़ गया है। जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर फैली हुई दिखाई दे रही है। केदारनाथ धाम में ये पहली बर्फबारी है। बर्फबारी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए केदारनाथ धाम के द्वार को खोलने को लेकर चल रही तैयारियों को भी रोकना पड़ा। आज बाबा केदार की टोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल से केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बाबा केदारनाथ के लाइव दर्शन। बुलेटिन में आगे जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां आग ने तांडव मचाया। क्या है खबर, आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त है हेडलाइंस का। हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। यूरोप दौरे के आखिरी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विवाद। आज स्वदेश लौट रहे हैं पीएम।
बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री आज बांग्लादेश सीमा का करेंगे दौरा, सिलीगुड़ी में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू के सामा में सुरंग वाली साजिश का खुलासा, पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ को मिली सुरंग, बॉर्डर के इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। हैदराबाद में दूसरे धर्म में शादी पर नागराजू की सरेआम हत्या, पत्नी के भाइयों ने बीच सड़क पर रॉड से पीट पीट कर मार डाला। ईद के दिन हुई हिंसा के बाद जोधपुर में कर्फ्यू दो और दिन बढ़ाया गया, आज अलवर में बीजेपी की रैली को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश। महाराष्ट्र के हालात पर सीएम उद्धव ठाकरे आज महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई है, गृहमंत्री पाटिल बोले लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी पर लागू। In association with Aqualite footwear, comfort dikhta hai. Aqualite. In association with IME, LED lights, fans, televisions, air conditioners and much more. जयपुर के बंगरू इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसकी ऊंची लपटें दूर तक नजर आने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए कई घंटे मशक्कत की। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। इस आग की वजह से लाखों रुपए के लकड़ी का सामान जलकर राख हो गया। तो कुछ घंटों में आग बहुत तेजी के साथ फैल गई और इसको बुझाने के लिए जमकर मशक्कत यहां पर दमकल कर्मियों को करने पड़ी और काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान यहां पर हो चुका था। बताया जा रहा है लाखों रुपए की लकड़ी यहां पर जलकर राख हो गई। जयपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग ने तांडव मचाया। आग की इन लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण आग रही होगी। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी जिन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगे पंजाब के बटाला से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है जो आगे बुलेटिन में आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त है इस वक्त की 100 खबरों पर नजर डालने का। जोधपुर पुलिस के मुताबिक इलाके में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। 10 इलाकों में 2 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जोधपुर हिंसा के दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तलवार पत्थर लेकर लोगों पर हमला करते नजर आ रहे हैं उपद्रवी। जोधपुर हिंसा को लेकर राजस्थान पुलिस का बयान, कहा हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति का माहौल बना रही है पुलिस। मंदिर तोड़ने के मामले में आज अलवर में बीजेपी का विशाल प्रदर्शन, गहलोत सरकार को अलग अलग मामलों को लेकर घेरने की तैयारी है। बीजेपी की रैली की घोषणा के बाद गहलोत सरकार का ऐलान, राजगढ़ में पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार। खरगोन में प्रशासन ने कर्फ्यू हटाया, हिंसा के 24 दिनों के बाद कर्फ्यू से मिली है राहत। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे विवाद पर उद्धव ठाकरे ने बुलाई मीटिंग, महाविकास अघाड़ी के सभी नेता शामिल होंगे। शरद पवार से बैठक के बाद बोले दिलीप वलसे पाटिल, कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबके लिए मान्य। मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में 1500 मस्जिद और 1300 मंदिरों को लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत, लगभग 2300 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश, पूरे देश में लाउड स्पीकर का कानून बना। लाउड स्पीकर विवाद पर संजय राउत ने कहा हिंदुओं के लिए काला दिन, आज मंदिरों से आरती नहीं सुनाई दी। हनुमान चालीसा विवाद पर लालू यादव का बयान, बोले सब देश को बांटने के लिए हो रहा है, दंगा फसाद के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। नासिक में मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ, लगभग 6 एमएनएस समर्थक गिरफ्तार। नासिक में करीब 150 एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, नारेबाजी करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। मंत्री नेता संदीप देशपांडे के खिलाफ मामला दर्ज, राज ठाकरे के घर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के दौरान महिला पुलिसकर्मी के घायल होने का मामला। राणा दंपति की रिहाई अटकी, बेल ऑर्डर न मिलने से जेल में ही बिताया वक्त, बीएमसी ने भी गैर कानूनी निर्माण पर थमाया नोटिस। नवनीत राणा का मेडिकल चेकअप कराने के बाद वापस जेल भेजा गया, आज हो सकती है रिहाई।
निरीक्षण के लिए राणा दंपति के घर पहुंची बीएमसी की टीम। बंद मिला घर, शुक्रवार को फिर करेगी जांच। राणा दंपति के घर पर कार्रवाई पर बोले बीएमसी के अधिकारी का 8वीं मंजिल पर अवैध निर्माण की शिकायत, घर बंद होने की वजह से वापस लौटे अधिकारी। राणा दंपति की जमानत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा इस देश में हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का केस दर्ज होता है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर चलने लगा बुलडोजर, आज कॉलोनी कुंज से जामीनगर पुलिस स्टेशन तक चलेगा बुलडोजर। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे से पहले पुलिस अलर्ट पर, मुस्लिम पक्षकार की धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। वाराणसी नगर निकास परिसीमन ने हर गतिविधि पर बनाई नजर, मुस्लिम पक्षकार ने सीपी और जीएम ने लगाई सर्वे रोकने की गुहार। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस को इलाके में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव ने किया सर्वे का विरोध, संत समाज ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। फ्रांस पहुंचते ही दिखी मोदी मैक्रों की दोस्ती, एक दूसरे को लगाया गले। पेरिस में पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात, दोनों देश के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने पर हुई बातचीत। पेरिस में पीएम मोदी ने की भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात, होटल के बाहर लोगों ने पीएम का स्वागत किया। डेनमार्क की क्वीन को पीएम ने दिया खास तोहफा, राजकुमार और राजकुमारी को भेंट में दी भारतीय कलाकृतियां। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री को कच्छ एम्ब्रॉयडरी से बनी पेंटिंग गिफ्ट की, फिनलैंड की पीएम को राजस्थान की पेंटिंग भेंट की। अपने डेनमार्क दौरे पर बोले पीएम, का डेनमार्क यात्रा उपयोगी रही, डेनमार्क की प्रधानमंत्री और भारतीय लोगों से भी मुलाकात हुई। आज हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार के बनाए हुए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल का दौरा, सिलीगुड़ी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी ने बुलाई टीएमसी कार्यकारी समिति की बैठक, टीएमसी सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर बैठक का आयोजन किया गया। आज से दो दिन के तेलंगाना और केरल दौरे पर जेपी नड्डा, कई जनसभाओं और कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज पटना में प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जन स्वराज अभियान को लेकर बताएंगे रोडमैप। प्रशांत किशोर के पार्टी लॉन्च करने पर लालू यादव ने कसा तंज, कहा सारे देश से घूमने के बाद बिहार लौटे या उनका कोई ठिकाना नहीं। आज पंजाब सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, सूत्रों के मुताबिक आज रोजगार पर बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम मान। आज किसानों के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत, तिकुनिया हिंसाकांड के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर पी चिदम्बरम को काले झंडे दिखाए गए, आरोपी की वकालत करने पर वकीलों ने किया चिदम्बरम का विरोध। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, जवाब देने के लिए केंद्र ने एक हफ्ते का समय मांगा था। हैदराबाद में लव जिहाद मामले में एक की हत्या, जांच जारी। हत्या मामले में दो आरोपियों की पहचान हुई, आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित। ललितपुर रेप मामले में आरोपी एसएचओ गिरफ्तार, नाबालिग के साथ रेप के आरोप में प्रयागराज से हिरासत में लिया गया। ललितपुर रेप केस पर अखिलेश यादव का बयान, कहा जिससे न्याय की उम्मीद वही दोषी, अब क्या पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलेगा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी के शासनकाल में विदेश में यूपी की जितनी बदनामी हुई वैसे पहले कभी नहीं। यूपी के ललितपुर में नाबालिग के यौन उत्पीड़न की जांच के लिए टीम तैनात करेगी एनसीपीसीआर। यूपी के फतेहपुर नाबालिग लड़की के गैंगरेप के बाद की आत्महत्या, अब तक एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस और ईस्ट एमसीडी को जारी किया नोटिस, एमसीडी स्कूल में लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में नोटिस। यूपी के संभल में आजम खान के करीबी के खिलाफ कार्रवाई, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन कौसर अहमद हिरासत में, 42 लाख के गबन का आरोप। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरेशी को पुलिस का नोटिस, गेट पर नोटिस लगाकर परिवार को भगोड़ा घोषित किया। बागपत के सट्टा किंग सुमित, पंजाब की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने 7 प्रॉपर्टी को सील किया है। मुजफ्फरनगर में अपराधियों का सरेंडर, गले में तक्की लगाकर दो अपराधी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़े रखे।
जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में मिला आतंकी सुरंग, बीएसएफ ने जांच शुरू की। सुरंग में जैश के दो आतंकियों के भी छुपे होने की खबर, बढ़ाई गई सुरक्षा। मनसुख हिरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा मुख्य साजिशकर्ता, एनआईए का दावा। दिल्ली में बिजनेसमैन के मर्डर का नया वीडियो सामने आया, मर्डर के आरोप में दो नाबालिग गिरफ्तार। पंजाब के बटाला में स्कूल बस में लगी आग, खेतों में लगी आग की चपेट में आई स्कूल बस, बाल बाल बचे छात्र। जयपुर के बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। दिल्ली के भजनपुरा में फायरिंग, एक व्यक्ति घायल हुआ है। दिल्ली के हौज खास इलाके में युवकों के बीच झड़प, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मथुरा में वेस्ट प्लांट के कार्बन बॉक्स में धमाका, 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। यूपी के चाव में पर्यटकों से भरी बस कंटेनर से टकराई, 2 की मौत, 15 घायल। विकासनगर में छात्रा ने शक्ति नहर में लगाई छलांग, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुजरात में भुज के पास बीएसएफ की कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने 3 से 4 मछुआरों के साथ पाकिस्तानी नाव पकड़ी। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में ऑटो की छत पर ग्रीन गार्डन, यात्रियों को गर्मी से बचाने का ड्राइवर ने निकाला अनोखा तरीका। कोयले की आपूर्ति के लिए 24 मई तक करीब 1100 ट्रेन रद्द, मई में और बढ़ सकता है पावर क्राइसिस। उत्तराखंड के जंगलों में आग से बड़ा ब्लैक कार्बन का खतरा, वातावरण हो रहा है प्रदूषित। अमरनाथ यात्रा से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सेना और अन्य एजेंसियां तैयार, सीएपीएफ और प्रशासन का मूल्यांकन जरूरी। बिहार के भागलपुर में अनोखी शादी, 36 इंच के मुंडा ने 34 इंच की ममता से शादी की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1354 नए मामले सामने आए हैं, एक मरीज की मौत भी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ दार पूनावाला ने कहा, कोवोवैक्स 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए उपलब्ध। श्रीलंका के वित्त मंत्री ने आईएमएफ में भारत की मदद की सराहना की है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में आर्थिक उठापटक तेज, राष्ट्रपति सरकार के खिलाफ विपक्षी दल लाया अविश्वास प्रस्ताव। श्रीलंका में संसद के बाहर प्रदर्शन, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी वायुसेना ने दागी मिसाइल, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला, रूसी आर्टिलरी से चौतरफा तबाही का मंजर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के डोनेट्स में तेल डिपों में बमबारी के बाद भीषण आग, हमले में 1 की मौत, 2 घायल। रूस ने यूक्रेन पर तेज किया हमला, पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति को बना रहा है निशाना। ब्रिटेन का रूस के खिलाफ बड़ा फैसला, युद्ध के बीच रूस को सर्विस एक्सपोर्ट करने का लगाया बैन। ब्रिटेन हर साल बना सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर, बोरिस जॉनसन ने दिए संकेत। आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हराया। सीएसके की जंग से ठीक पहले विराट कोहली को डेविड वार्नर की सलाह, बोले खराब फॉर्म को छोड़े पीछे। सनराइजर हैदराबाद से जुड़े रांची के तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा, सुशांत ने चोटिल सौरभ पांडे की जगह ली। एमएस धोनी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जड़ा अनोखा शतक, एक फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने धोनी। तिलक वर्मा ने शेयर किया अपना यादगार पल, का पसंदीदा क्रिकेटर रोहित शर्मा से कैप मिली तो बड़ा आत्मविश्वास। आईपीएल मैच के दौरान घुटने पर बैठी लड़की और कर दिया प्रपोज, आरसीबी के फैन प्रेमी ने लाइव मैच में कहा यस। रुद्धिमान साह को दबकाने वाले जर्नलिस्ट पर बीसीसीआई का एक्शन, बोरिया मजूमदार पर 2 साल का बैन, स्टेडियम में भी एंट्री नहीं। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा रद्द नहीं होगा, बिजली कटौती हुई तो डे नाइट मैच दिन में हुई।
रांची की 11वीं की छात्रा नीता ने फीफा अंडर 17 के लिए क्वालिफाई किया। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला खास सम्मान, देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया। और बादल की फिल्म रॉकेट्री से होगी कैनस फेस्टिवल की शुरुआत, स्क्रीन से लेकर खाने की टेबल पर भारतीय अंदाज। अर्पिता खान की ईद पार्टी में एक साथ नजर आए कंगना, करण जौहर और दीपिका पादुकोण। ब्रेकअप की खबरों के बीच पहली बार साथ नजर आए कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार को 30 साल पूरे हुए हैं, पृथ्वीराज का स्पेशल पोस्टर रिलीज हुआ है। कॉफी विद करण के अब नहीं बनेंगे नए सीजन, करण जौहर ने ट्वीट कर जानकारी दी। वरुण धवन के घर आया नन्हा मेहमान, चाचा बनने पर खूब मिल रही है फैंस से बधाइयां। के एल राहुल अथिया शेट्टी की शादी पर बोले अहान शेट्टी का फिलहाल शादी का कोई प्लान नहीं है। साउथ एक्टर महेश बाबू के डबल मीनिंग डायलॉग पर बवाल, एक फिल्म के ट्रेलर में व्याग्रा की बात सुन भड़के फैंस। पंजाब के बटाला में एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से बस में हड़कंप मच गया और बच्चे चीख पुकार करने लगे और इसी बीच वहां से गुजर रहे लोगों ने बच्चों को बस से निकाला। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी बस धू धू कर जलने लगी और कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी बच्चों को बस से उतार लिया गया था। बस में करीब 30 बच्चे उस वक्त सवार थे जब बस जो है वो आग की चपेट में आई। हालांकि इस हादसे में 3 बच्चे जख्मी जरूर हुए। बाल बाल बची है 30 बच्चों की जान। और पंजाब के बटाला का ये मामला है जो खेत में लगी आग की चपेट में बस भी आ गई और उस वक्त बस में जो बच्चे थे वो भी सवार थे। जोरदार आग लगी और बस की क्या हालत हो गई उसके बाद आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बच्चे, सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। 3 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इलेक्शन में आगे बताएंगे कि आखिर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी सांसद अमरीत राणा ने एक और रात क्यों जेल में गुजारी। इसके अलावा दिल्ली में आज कहां चलेगा बुलडोजर, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त है 1 मिनट में एक खबर का। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद उद्धव सरकार हरकत में आ गई है। महाराष्ट्र के हालात को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में उद्धव ठाकरे समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों को लेकर धमकी दी थी। मनसे प्रमुख ने कहा था 4 मई तक मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं, नहीं तो वो अपने हिसाब से निपटेंगे और मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अल्टीमेटम के बाद राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवसेना नेता मनसे प्रमुख के अल्टीमेटम पर निशाना साधते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई भी उनकी पार्टी को हिंदुत्व ना सिखाए। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सब पर लागू होगा। उद्धव की बैठक से पहले कल शरद पवार ने भी महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट मोड पर है। अब तक मनसे के 250 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से अजान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज आवाज में अजान के विरोध में कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जहां जहां मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी वहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी। राज ठाकरे कल एक बार फिर मीडिया के सामने आए और साफ कर दिया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं।
लाउड स्पीकर को लेकर सड़कों पर उतरे कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कई जगहों पर पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के हंगामे को सही ठहराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। राज ठाकरे ने 4 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की चेतावनी दी थी। उद्धव सरकार हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बुलडोजर दौड़ने को तैयार है। कहां कहां ये बुलडोजर दौड़ेगा, पूरी खबर एक मिनट में। दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये कार्रवाई आगामी 13 मई तक जारी रहेगी। दक्षिण दिल्ली के जिन इलाकों में SDMC अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर सकती है, उनमें शाहीन बाग इलाका भी शामिल है। SDMC ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के DCP को चिट्ठी लिखकर अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए सुरक्षा की मांग की है। NDMC पहले 24 अप्रैल से कार्रवाई शुरू करना चाहती थी, जिसके लिए उसने तभी पुलिस को पत्र लिखा था। उस वक्त पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों के कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। साथ में ही इस तरह की कार्रवाई के लिए 10 दिन पहले सूचित करने की बात कही थी। 9 मई को शाहीन बाग को अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चलाए जाएंगे। लिहाजा NDMC ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। जिन जगहों की कार्रवाई होनी, उन जगहों में रह रहे लोगों को पहले ही सूचना दी जा चुकी है। बिजली संकट को दूर करने के लिए रेलवे ने एक फैसला किया है। एक मिनट में दिखाते हैं क्या है फैसला। मेल एक्सप्रेस के 500 फेरे और पैसेंजर ट्रेनों के 580 फेरे रद्द कर दिए गए हैं। देश में बिजली की खपत बढ़ने और कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है। भीषण गर्मी की वजह से देश बिजली संकट गहरा गया है। अप्रैल से बिजली की मांग बहुत बढ़ गई है। बिजली की मांग बढ़ने से कोयले की खपत भी बढ़ गई है। यही वजह है कि पावर प्लांट्स के पास कुछ ही दिनों का कोयला रह गया है, जिसकी वजह से देश में बिजली संकट खड़ा हो गया है। कोयले की बढ़ी हुई जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे पर ढुलाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दबाव को कम करने के लिए रेलवे मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर रही है। माना जा रहा है कि समय रहते उचित कदम नहीं उठाया गया तो मई आखिरी तक बिजली संकट और गहरा सकता है। पावर प्लांट्स में कोयले का भंडार बढ़ाने के लिए रेलवे ने फिलहाल 24 मई तक कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। ट्रेनों को रद्द करने को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन रेलवे ने साफ कर दिया है फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहस्यमय सुरंग मिली है, BSF आज जांच करेगी। जम्मू के सांबा इलाके में बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों को एक सुरंग मिली है। ये सुरंग बॉर्डर के बिल्कुल पास है। कल देर शाम जांच के दौरान सुरक्षा बलों ने टनल को खोज निकाला। सुरक्षा बलों को शक है कि इस सुरंग का इस्तेमाल आतंकी करते थे। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से इसी रास्ते हथियार भी भेजने की साजिश भी रची गई होगी। सुरंग मिलने के बाद इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मौके पर BSF के एक बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। अंधेरे की वजह से कल टनल की जांच नहीं हो सकी। BSF की विशेष टीम पूरे सुरंग की जांच करेगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अब तक इस सुरंग का कितनी बार इस्तेमाल किया गया है और क्या ये सुरंग सीमा के उस पार पाकिस्तान में खुलती है। पिछले 9 सालों के दौरान सुरंग खोद कर घुसपैठ करने की 10 साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। और 12 दिनों से जेल में बंद राणा दंपति को कोर्ट से बेल मिल गई है। ढोल की थाप पर नाच गाना, ये जश्न है राणा दंपति को बेल मिलने का। राणा दंपति को सेशन कोर्ट ने शर्तों पर ये बेल दी है। हालांकि राहत मिली है कुछ शर्तों पर, जैसे कि राणा दंपति मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दोबारा कानून नहीं तोड़ेंगे और 50,000 का निजी मुचलका देना होगा। एक तरफ नवनीत राणा के जेल से बेल मिलने की समर्थकों में खुशी है, तो दूसरी तरफ BMC ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में BMC ने लिखा है कि नवनीत राणा के घर का कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि वो CM उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, जिसको लेकर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था।
जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में 2 दिन का कर्फ्यू और बढ़ाया गया है। हिंसा के नए वीडियोस भी सामने आए हैं। पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। हाथों में पत्थर, डंडे और तलवार, जोधपुर में 3 मई की रात हुई हिंसा की बिल्कुल नई तस्वीर सामने आई है, जो तस्दीक कर रही है समुदाय विशेष के लोगों ने किस तरह उकसाने का काम किया है। काले लिबास वाले शख्स को देखिए, हाथ में पत्थर लिए हुए है, पत्थर लेकर गली के दूसरी तरफ दौड़ता है। काले लिबास वाले शख्स के पीछे 2 शख्स और आते हैं, जिनके हाथों में तलवार दिखाई देती है। हाथ में तलवार लहराते हुए शख्स कुछ इशारा करता है। इशारा मिलते गली छिपे कई लड़के हाथ लाठी डंडा लिए दौड़ पड़ते हैं। ये तस्वीर उसी दिन की है जिस दिन जोधपुर में हिंसा भड़की थी। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस ने अब तक 144 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 थाना क्षेत्रों कर्फ्यू अगले 2 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर की हत्या की गुत्थी को अब सुलझा लिया है। हत्या में शामिल एक संदिग्ध को उसके मेट्रो कार्ड के जरिए से ट्रैक किया गया और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उसे पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस दूसरे संदिग्ध की तलाश में देर रात तक छापेमारी करती रही। पुलिस के मुताबिक हत्या का दूसरा संदिग्ध बाहरी दिल्ली का निवासी है। जुपिटर बिल्डर्स के निर्देशक राम किशोर अग्रवाल की रविवार को लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई थी। दोनों हमलावर शनिवार रात करीब 10 बजे फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर की बाइक से उनके घर पहुंचे थे। उनके बंगले के पास बाइक खड़ी करने के बाद वो सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन तक गए और वहां से बाहरी दिल्ली के एक स्टेशन समेत कई जगहों पर गए। इसी दौरान उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद को नाबालिग बता रहा है और वो करीब 1.5 साल पहले राम किशोर अग्रवाल के यहाँ साफ सफाई का काम करता था। पुलिस का दावा है कि हत्या के दूसरे आरोपी को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में एक आईएएस ऑफिसर ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। पूरी खबर दिखाते हैं 1 मिनट में। दिल्ली में तैनात आईएएस अधिकारी के सारंगी ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। आईएएस अफसर का आरोप है कि अब्दुल रहमान नाम के शख्स ने उनकी इकलौती बेटी डॉक्टर हर्ष भारती सारंगी से बड़ी साजिश के तहत शादी की। इसके पीछे उसका मकसद लव जिहाद के तहत बेटी का धर्म परिवर्तन कराने का है। अपनी एफआईआर में आईएएस के सारंगी ने कहा कि उनकी बेटी 2016 में यूक्रेन से MBBS कर लौटी थी। मेरठ के मवाना के रहने वाले अब्दुल रहमान 2017 से उसके पीछे पड़ा था। उसने फरेब से उनकी बेटी को फंसा लिया। आरोप ये भी है कि इस पूरे मामले में कुछ मौलानाओं ने अब्दुल का साथ दिया, जिसके बाद नवंबर 2018 में अब्दुल ने उनकी बेटी से मंदिर में शादी की और इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया। सारंगी के परिवार का आरोप है कि लव जिहाद का आरोपी अब्दुल PFI से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी में केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पटना से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाली एक खबर आई है, आपको भी दिखाते हैं। देश में अजान और हनुमान चालीसा पर विवाद छिड़ा है, मगर इसके उलट पटना में हिंदू मुस्लिम एकता साफ दिखाई दे रही है। ये है पटना का मशहूर हनुमान मंदिर और मंदिर से कुछ ही दूरी पर है जामा मस्जिद। यहाँ रोज मंदिर में पूजा होती है और मस्जिद में इबादत, लेकिन यहाँ आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दे रहा है पटना का महावीर मंदिर। आप देखिए, ये प्रसिद्ध महावीर मंदिर जो है पटना का, वो आप देखिए पटना जंक्शन के बगल में ये महावीर मंदिर है और यहाँ से थोड़ी दूर लगभग 20 मीटर की दूरी पर मस्जिद भी है हनुमान मंदिर के बगल में, वो भी आप तस्वीर के जरिए देखिए। जब हनुमान मंदिर रामनवमी जैसी विशेष पूजा होती है तो अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी जाती है ताकि अजान से किसी तरह की बाधा पैदा ना हो। इसी तरह मस्जिद में अजान के दौरान इसका ख्याल रखा जाता है। पटना से आई ये तस्वीरें देश में गंगा जमुनी तहजीब को दिखाती है।